हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम दो अलग अलग डेटा को कंपेयर कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। तो अभी हम परचेस और जीएसटीआर 2B को कंपेयर करेंगे, लेकिन ये ट्रिक सीखने के बाद आप जीएसटीआर 1 और सेल्स, परचेस और एटे, मतलब जो डेटा को कंपेयर करना है उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे रिमार्क है और जीएसटीआर 2B में हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर देखेंगे तो परचेस का डेटा है और इस रिमार्क के बेस पर ये बाइफरकेट हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर है, और ये जो टोटल है वो हमारे डेटा से मैच हो जाएगी। अगर आप इसको मैनुअली बनाने जाएंगे तो आपका बहुत सारा समय वेस्ट होगा। हम इसको बहुत ही कम समय में बनाएंगे। और अगर आप परचेस और जीएसटीआर 2B या फिर परचेस और एटे का रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, या फिर किसी भी दो डेटा का रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके दो पार्ट है, आप दोनों पार्ट को ध्यान से देखिए। और ये जो वीडियोस है वो प्रैक्टिकल है, मतलब हमारी कंपनी के डेटा का रिकंसिलेशन करते वक्त हम इसको प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे पास परचेस और जीएसटीआर 2B का रिकंसिलेशन है। इस रिकंसिलेशन को कैसे बनाना है इसके वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की है, जो दो पार्ट में और डिटेल्स में है, और दोनों पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो दोनों पार्ट को आप ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पर परचेस का डेटा है और यहाँ पर जीएसटीआर 2B का डेटा है। अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर जीएसटीआर 2B के जगह पर आप एटे का भी रिकंसिलेशन कर सकते है, और 2B और एटे का डेटा ज्यादातर सेम ही रहेगा। अभी यहाँ पर परचेस के डेटा में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एस पर परचेस है, IGST, CGST, SGST और सेज, ये हमारे काम का है। और आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर रिमार्क है, और ये रिमार्क हमारे काम के है। यहाँ से IGST, CGST और रिमार्क तक कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी यानी कॉपी, कंट्रोल एन, यहाँ पर न्यू वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अगर आप ओल्ड एक्सेल यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर स्पेशल पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल अल्ट वी, यहाँ पर वैल्यू और इंटर। और यहाँ पर मैं टाइप लिख देता हूँ, और ये हमारा परचेस का डेटा है तो परचेस, और इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी। यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल डाउन एरो, यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, और कंट्रोल वी, मतलब इस पूरे डेटा के आगे मैं परचेस लिख देता हूँ। अभी इस रो को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर व्यू, यहाँ पर प्रिस्पेंस और प्रिस्पेंस, मतलब हम नीचे जाएंगे तो हमारी हेडिंग जो है वो यहाँ पर हमें दिखती रहेगी। अभी इसी के नीचे हम जीएसटीआर 2B के डेटा को पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर जीएसटीआर 2B, और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, IGST, CGST, SGST, यहाँ पर रिमार्क तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी, और इसके नीचे कंट्रोल अल्ट वी, यहाँ पर वैल्यू, इंटर। आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर IGST, CGST, SGST सेज ये यहाँ पर एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, और यहाँ पर जो रिमार्क है वो भी एक दूसरे के नीचे आना चाहिए। अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, तो आपको यहाँ पर कट करके यहाँ पर पेस्ट करना है। अभी यहाँ पर मैं जीएसटीआर 2B लिख देता हूँ, क्योंकि ये जीएसटीआर 2B का डेटा है। इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पूरा पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये जो गैप है और ये हेडिंग, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो इनको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट स्पेस कंट्रोल माइनस। अभी यहाँ पर हमारे पास परचेस का डेटा है और जीएसटीआर 2B का डेटा है। अभी यहाँ पर हमें टाइप IGST, CGST, SGST सेज और यहाँ पर रिमार्क की जरूरत है, तो ये बीच का डेटा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक कॉलम को ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर टोटल टैक्स इज इक्वल टू सम, टैप प्रेस करता हूँ, उसके बाद IGST, CGST, SGST सेज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, मतलब ये टोटल टैक्स है। और इसको कॉपी करके पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट टैब, और यहाँ पर पाइवट टेबल, यहाँ पर न्यू वर्कशीट, ओके। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं रिमार्क को रोज में डाल देता हूँ, उसके बाद टाइप्स को मैं कॉलम में डाल देता हूँ, और यहाँ पर IGST वैल्यूज में, CGST वैल्यूज में, SGST वैल्यूज में, सेज वैल्यूज में, और टोटल टैक्स भी वैल्यूज में।
अब यहाँ पर हमारे नंबर्स थे इसलिए हमने टिक करते गए, वैसे वो यहाँ पर ऐड होते गए हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर ड्रैग करना पड़ेगा। अभी यहाँ से मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट वी, वी मतलब वैल्यू, एंटर। अभी यहाँ पर देखिए हमारे रिमार्क यहाँ पर है, यहाँ पर जेस्चर टू बी का डेटा है, मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पर परचेस का डेटा है, इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। और ये जो आगे का डेटा है, ये टोटल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस। अभी यहाँ पर हेडिंग में सम ऑफ आईजीएसटी, सम ऑफ सीजीएसटी, ये जो सम ऑफ है इसको हम हटा देते हैं, तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एच मतलब फाइंड एंड रिप्लेस। और यहाँ पर फाइंड व्हाट में सम ऑफ स्पेस, रिप्लेस विथ में कुछ भी नहीं, और रिप्लेस ऑल। अभी मैं इस हेडिंग को कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर डिफरेंस, और यहाँ पर इज इक्वल टू टू बी का आईजीएसटी माइनस परचेस का आईजीएसटी, एंटर। और इस फॉर्मूला को कॉपी करके मैं यहाँ पर पूरा पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, यहाँ पर इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस करता हूँ, इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अभी यहाँ पर भी मैं पूरा पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर सारे नंबर को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर होम टैब, यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ, और डेसिमल को हटा देता हूँ, और यहाँ पर ऑटो फिट कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिमार्क है, डेबिट नोट नॉट इन जीएसटीआर टू बी, तो जीएसटीआर टू बी में कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन परचेस में हमारा डेटा है। यहाँ पर अलग अलग रिमार्क है, इनवॉइस नॉट इन जीएसटीआर टू बी, तो जीएसटीआर टू बी में कुछ भी अमाउंट नहीं है, लेकिन परचेस में अमाउंट है। और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर डिफरेंस शो हो जाएगा, यहाँ पर इनवॉइस नॉट इन परचेस, यहाँ पर जीएसटीआर टू बी में डेटा है लेकिन परचेस में हमारे इनवॉइस नहीं है, यहाँ पर मैच है तो जीएसटीआर टू बी का डेटा और परचेस का डेटा मैच है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ राउंड अप का डिफरेंस है। अभी हमें यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब ये जो रिमार्क है वो हमें सबसे ऊपर चाहिए, तो यहाँ पर कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, और कंट्रोल प्लस मतलब ऊपर का रिमार्क नीचे जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हमें जैसे चाहिए उस सीक्वेंस में यहाँ पर रिमार्क को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं तुरंत इनको फॉर्मेटिंग करता हूँ। अभी इस सेल को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर व्यू टैब, यहाँ पर प्री स्पेंस और प्री स्पेंस। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे रिमार्क है, यहाँ पर जीएसटीआर टू बी का डेटा है, और यहाँ पर जो टोटल है वो जीएसटीआर टू बी से मैच हो जाएगी। हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर परचेस का डेटा है, और यहाँ पर दोनों में कहाँ कहाँ पर डिफरेंस है वो आपको शो हो जाएगा। अभी ये जो कंपेरिजन की ट्रिक्स है उसको आप बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं, जब भी आप ऑडिट, टैक्स ऑडिट या फिर जीएसटीआर 9 के लिए डेटा बनाते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।